वहीं नगर निगम भिलाई 3-14 वार्ड के लिए सोमवार से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा मुख्यमंत्री के सुपुत्र युवा नेता चैतन्य बघेल द्वारा की गई। चैतन्य बघेल ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा को रवाना किया। इस मौके पर नगर निगम भिलाई 14 के महापौर और वार्ड पार्षद सहित एमआईसी सदस्य व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद। नगर पालिक निगम भिलाई 3-14 वार्ड के लिए आज से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल के द्वारा की गई है। वहीं चैतन्य बघेल ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा को रवाना किया। इस मौके पर नगर निगम क्षेत्र के महापौर और वार्ड पार्षद को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा कार्य ही हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। जरूरतमंद लोगों को एम्बुलेंस सुविधा का लाभ जरूर मिलेगा। आज वार्ड पार्षद एस वेंकट रमन्ना के द्वारा जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय व बधाई का पात्र है। हर पार्षद को अपने क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं से लेकर हर समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, हमारी भाभी माँ मुक्तेश्वरी बघेल व गुरु माता का जन्मदिन है। उस दिन आम जनों के लिए सेवा भावना के तहत एम्बुलेंस को संचालित किया जा रहा है। नगर निगम में 2 एम्बुलेंस हो चुकी है, जल्दी 1 एम्बुलेंस को अस्पताल को समर्पित कर दिया जाएगा। वार्ड वासियों की सुविधा के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की खरीदारी की जाएगी। जल्द ही वृद्ध जनों को पेंशन लेने के लिए अब किसी पर भी आधारित नहीं होना पड़ेगा, उन्हें भी निःशुल्क वाहन सेवा प्रदान की जाएगी। घर से उन्हें बैंक और नगर निगम तक लाने ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन की सेवा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर तथा ने 14 के वार्ड क्रमांक 25 नगर निगम भिलाई 14 के पार्षद वेंकट रमना को बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक वार्ड के पार्षदों को अपने क्षेत्र में ऐसी सेवाएं देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अर्धांगनी, हम सबकी भाभी, मेरी गुरु माता, हम सबके नेतृत्व करने वाले माता जी का आज जन्मदिन है। हम सबकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे वार्ड के पार्षद भाई एस वेंकट रमना जी शुरू से काफ़ी जुझारू और सजग रहे हैं। वार्ड वासियों की त्वरित समस्याओं का निदान करने के लिए उन्होंने अपने मिलने वाले मानदेय को भी जन सेवा में लगा दिया है। जन सेवा के लिए आज के दिवस में एम्बुलेंस सुविधा जो निःशुल्क है, जो भी वार्ड के वासी हैं जिनको भी आपातकालीन सेवा की आवश्यकता हो उनके लिए आज एम्बुलेंस सेवा की सौगात दी गई है। सारे वार्ड वासियों को इसका लाभ भी मिलेगा और ऐसे पुनीत कार्यों के लिए मैं हमारे पार्षद भाई रमना जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और ऐसे नित काम आने वाले समय में भी होता रहे और आज के दिन इसलिए यादगार रहेगा क्योंकि हमारी भाभी जी का जन्मदिन है और ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक दिन में जन सेवा को समर्पित करने के लिए जो काम किया जा रहा है वह अविस्मरणीय है। आने वाले समय में भी हमारे निगम के साथियों के द्वारा, हमारे निगम के पार्षदों के द्वारा ऐसा ही जन कल्याणकारी कार्य आपको भी आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे पास 1 एम्बुलेंस अभी हमारे नगर निगम में रखा हुआ है। बहुत जल्द अभी हम उनको अस्पताल को समर्पित करने वाले हैं 14 को, वहाँ से भी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से 2 एम्बुलेंस हमारे पास हो जाएंगे। आने वाले वर्षों में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से और ज़रूरत पड़ती है, निश्चित रूप से DMF के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से जो भी आवश्यकता होगी वार्ड वासियों की आवश्यकता के अनुरूप आने वाले वर्षों में भी वृहद रूप से जो भी सुविधाएँ हैं, मैं तो ये सोच रखा हूँ कि जो वृद्ध हैं, जो पेंशन लेने आते हैं, ऐसे पेंशनधारियों के लिए जो दूरी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर की दूरी जो तय करते हैं, उनके लिए भी हम लोग निःशुल्क वैन की शुरुआत करने वाले हैं ताकि महीना में एक दिन वो लोग निःशुल्क आएँ और जिस भी संबंधित बैंक से उनको पेंशन मिलता है वहाँ तक उनको निःशुल्क लाएंगे भी और छोड़ेंगे भी। ये सुविधा भी हम लोग बहुत जल्द, एक ऐतिहासिक दिन फिर से आने वाला है अभी कुछ दिन बाद, उस दिन हम लोग शुरुआत करेंगे। आज बड़े सौभाग्य का दिन, सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद श्री एस वेंकट रमना द्वारा आज निःशुल्क एम्बुलेंस का सेवा प्रदान किया गया अपने वार्डों में। यह बहुत सराहनीय कदम है, इससे सभी पार्षदों को प्रेरणा लेना चाहिए तथा इस नेक काम के लिए मैं एस वेंकट रमना को
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरौदा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर MSC सदस्यों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता और वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।